सो वेलकम बैक। देखिए, अगर आपकी दुकान है या आप खुद ही घर पे काम करते हो और कोई कस्टमर है आपके पास जो ESI कार्ड के लिए एक फैमिली फ़ोटो लेकर आया है जिसमें सब जने खड़े हुए हैं, या फिर आपको बोल रहा है कि भाई एक फैमिली फ़ोटो निकाल दो जो मुझे ESI कार्ड पे लगानी है, ठीक है, तो किस तरीके से आप फ़ोटोशॉप में उसको बना पाओगे, साइज़ क्या रखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा और बहुत जल्दी आप बना पाओगे, ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटोशॉप खोला हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि मान लो आपके पास फोटो है, दिखाता हूँ फोटो कौन सी आपके पास। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये फ़ोटो आपके पास, ठीक है, इस फोटो को आपको पासपोर्ट साइज में निकालना है ESI कार्ड के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड है, जैसे कि यहाँ पर पर्दे लगा रखे हैं, तो इसको आपको चेंज करना है। सबसे पहले इस बैकग्राउंड को चेंज कैसे करोगे, सिंपली आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसी पेज पर पहुँचोगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली अपलोड इमेज पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर वो इमेज चुननी है आपको जिसको आपको चेंज करना है। मैंने यहाँ पर इमेज अपलोड कर ली है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है वो हट गया है, ठीक है। आप चाहो तो बैकग्राउंड की जगह कोई कलर भी लगा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए रेड या ब्लू, जो भी आप चाहते हो वो आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए बैकग्राउंड हट गया है, इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, ओपन विद कर लीजिए, पेंट कर लीजिए, ठीक है, पेंट करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, ठीक है, सेव कर दिया। अब दोस्तों हमें खोलना है अपना फोटोशॉप। फोटोशॉप खोल लिया, यहाँ पर फाइल में आना है, इसके बाद ओपन, इसके बाद यहाँ पर आपको वही फ़ोटो अभी सेलेक्ट करनी है जो अभी हमने बैकग्राउंड जिसका चेंज किया है, ये फ़ोटो है वो, ये फ़ोटो हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा साफ़ करना है फ़ोटो को, अगर साफ़ कर सकते हो। साफ़ कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आना इमेज पे आके एडजस्टमेंट में, इसके बाद ब्राइटनेस एंड इस पर आप इसको थोड़ा ब्राइट कर सकते हो फ़ोटो को चाहो तो, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल एम दबाओगे, इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रॉप किस तरीके से करना है, साइज़ क्या रखना है, ठीक है। तो ESI कार्ड के लिए, स्पेशली मैं ESI कार्ड के लिए बता रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करना है इधर पे। इसके बाद यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई डालनी है, तो यहाँ पर साइज़ रखना है आपको 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, विड्थ रहेगी 13 और हाइट रहेगी 9 सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन रहेगा 200 और यहाँ पर रहेगा pixel/inch, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको ऐसा करेंगे, यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, ये फ़ोटो ले ली, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी फ़ोटो बन गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको छोटा कर दीजिए, पहले छोटा कर दिया मैंने यहाँ पर सिंपली, ठीक है। अब कंट्रोल एन दबाना है, एक न्यू पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर A4 साइज रहने दे रहा, इसके बाद ओके, इसके बाद यहाँ पर ये शीट आ गई आपकी। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बटन दबाना है, ये वाला, इसके फोटो को पकड़ के यहाँ पर कर देना, ये देखिए दोस्तों अभी A4 साइज की शीट है और इस पर देख लीजिए फोटो का साइज आपका क्या है, ठीक है। इस फोटो का बॉर्डर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इमेज पे, सॉरी एडिट पे आना है, एडिट पे आके यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आउटसाइड पे क्लिक करना है और 5 पिक्सल, इसके बाद ओके, देखिए बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर आपको दो फोटो निकालनी है तो कंट्रोल अल्ट इकट्ठे दबाना, इसके बाद फोटो पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप फोटो को उठा सकते हो ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक फोटो बनानी है तो कंट्रोल अल्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस फोटो को आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसका प्रिंटआउट देने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल
पी कर देना है, या फिर अगर आपको सेव करना है, मान लीजिए सेव करना है शीट को, तो कंट्रोल एस, इसके बाद यहाँ डेस्कटॉप कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, इसका नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रख दिया मैंने। यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है और जेपीईजी करना है, इसके बाद सेव कर देना है, इसके बाद ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपकी फ़ोटो बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये है मेरा फ़ोटो जो मैंने अभी यहाँ पर सेव करी थी। ठीक है, देखिए फ़ोटो बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ESI कार्ड के लिए फैमिली पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो वेबसाइट बताई थी मैंने आपको बैकग्राउंड हटाने की, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अपने बैकग्राउंड हटा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अभी तक पहुँचे हो, लास्ट तक देख रहे हो मुझे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।